हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका जो है DELED का तीसरा दिन है और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में ही होने वाला था लेकिन काफ़ी लेट होने की वजह से जो है आपका जून में हो रहा है। तो अभी जो है आज आपका 7 तारीख है और तीसरा दिन है और अभी फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम का रिव्यू जो है मैं देने वाला हूं, क्योंकि अभी जस्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। और पिछले 2 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं और आने वाले भी दिन में मैं आपको बताते रहूँगा। हमारे साथ जो है प्यारी सिस्टर है और मैं इन सिस्टर से बात करना चाहूँगा कि इनका एग्ज़ाम जो है कैसा रहा और किस टॉपिक से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा गया। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? शर्मिला कुमार जी। आप कहाँ से आई है? बंडोली से। ये कहाँ पढ़ता है? बेहरी। आपका शुभ नाम भैया? अमरजीत कुमार। आप दोनों साथ में आए ना? हाँ जी। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि टोटल क्वेश्चन 120 थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो क्या कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मतलब 120 में 20 बनाए। 120 का 120 आपने किया, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में नॉर्मलाइजेशन होंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप टोटल क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका पहले संपर्ण जवाब दें, उसके बाद जो नहीं आता उसके ऊपर डिस्कस करें, ओके, और उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन जो थे ईजी थे, हार्ड थे या मॉडरेट थे? मतलब टोटल क्वेश्चन की हम बात कर ले, टोटल इंग्लिश और रीजनिंग में मतलब उतना भारी नहीं थे जी। होले होले थे, 10 गो मतलब रीजनिंग में से ना 10 गो इंग्लिश में से पूछे थे और 25 नंबर का मैथ में से पूछे थे। जैसे मतलब क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन थे कैसा लगा आपको, हार्ड लगा या इजी लगा कि नहीं बन सकता है अगर मैं पढ़ता हूँ तो बन सकता है या नहीं बन सकता था। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, या आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जैसे जीके का हो या साइंस का हो या मैथ का हो, जो आप बता सके, जो आने वाले बच्चे हैं उनको मदद मिल सकेगी? डायरेक्ट जो क्वेश्चन याद हो, जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया कि अभी पूछा गया था बिहार की शोक नदी क्या है या और भी संधि विच्छेद वगैरह से प्रश्न पूछे गए थे, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद हो मेमोरी बेस तो आप बता सकती है, नहीं भी याद है तो टॉपिक आप बता सकती है ताकि आने वाले बच्चों को मदद मिल सके। संधि कितने प्रकार के होते हैं ये सब पूछे थे। और जीके के कुछ क्वेश्चन याद हो जो पूछा गया था अंदर? याद तो नहीं, याद नहीं है। हिंदी में जो है अलंकार रस से क्या कितने प्रश्न पूछे गए थे आज? 5-7 था। इंग्लिश में आप बोल रही है कि इजी लगा क्योंकि आप इंग्लिश में भी आप पढ़ती है, जानती होगी, तो इंग्लिश में क्वेश्चन जो था किस मतलब कैसा पूछा गया था, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया था, जैसे कि एक्टिव पैसिव नरेशन वॉयस, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया था? कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं, कोई बात नहीं था, मतलब किस में से पूछा गया तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर एग्जाम देने के बाद क्या होता है ना कि अंदर से निकलने के बाद क्वेश्चन सारे भूल जाते हैं और सबके साथ होता है। मैं भी एग्जाम दूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा, उतना दिमाग जो है सबका तेज नहीं चलता है क्योंकि सारा दिमाग जो होता है ना एग्जाम के समय खत्म हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, ओके ओके। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका रीजनिंग का था, रीजनिंग आपने बोला कि ईजी था, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे किसी खास टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे या ओवरऑल मिलाकर जो है सभी मिक्सअप क्वेश्चन थे? नहीं, ओवरऑल मिला जी। साइंस का क्वेश्चन जो है 10th लेवल था या 12th लेवल था? जैसे कि साइंस का क्वेश्चन जो था वो 10th क्लास से पूछे गए थे या 12th क्लास से ज़्यादा पूछे गए थे? अभी 9th और 10th दोनों में से पूछे गए हैं क्वेश्चन। और आपका जो मैथ का क्वेश्चन था वो कैसा पूछा गया था? मैथ मतलब 10वां लेवल की था और इंटर लेवल की, दोनों में से कुछ मिक्स मिलाकर पूछे। कुछ टॉपिक याद हो जो मैथ में पूछा गया था ज़्यादातर क्वेश्चन, जिस टॉपिक से? त्रिकोण मिति में से पूछ गए थे जी, 2-5-6 क्वेश्चन। आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस लेवल की तैयारी करें, 10th का या 12th का, जैसे किस लेवल का जो पढ़ाई करे, मतलब कि 10th लेवल का ज़्यादा पढ़े या 12th लेवल का ज़्यादा पढ़े, यानी कि 10th क्लास का पढ़े या 12th क्लास का पढ़े? 10th। चलिए, आपने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिले और आपको अच्छा कॉलेज मिले। और आने वाले बच्चों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया, टॉपिक भी बताया, कुछ क्वेश्चन भी बताया, आप सभी लोग भी जो है तैयारी करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ओके, धन्यवाद।